नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ऑटो जोन में। दोस्तों मैं योगेश शर्मा आपके सामने खड़ी है निसान मैगनाइट XV प्रीमियम वेरिएंट, यानी कि टॉप वेरिएंट गाड़ी आपके सामने खड़ी है। तो फ्रंट से देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरीके की आपको लुक मिल जाती है, काफी बेहतरीन जो है डायमेंशन वाइज, और मतलब की चारों तरफ दोस्तों एरोडायनामिक जो लुक होती है ना स्पोर्टी टाइप की, वो आपको गाड़ी में प्रॉपर मिल जाती है। तो मैं आपको फ्रंट से बात करूं तो फ्रंट से कुछ इस तरीके की लुक मिल जाती है। दोस्तों गाड़ी के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इसके प्राइस की। तो ये है टॉप एंड वीडियो दोस्तों। इसके एक्सोरूम की बात करूं तो आपको पड़ जाता है 941,000, जो कि एक्सोरूम। और दोस्तों मैं फरीदाबाद इस टाइम खड़ा हूं, फरीदाबाद निसान में। तो आपको यहां पे दोस्तों ओवरऑल इसका ऑन रोड अपने हिसाब से आप देख लेना स्टेट वाइज, क्योंकि स्टेट वाइज जो ऑन रोड है अलग अलग होता है। तो फ्रंट से देख सकते हैं कुछ इस तरीके की लुक जाती है, काफी जो बिग साइज में आपको ग्रिल मिल जाती है प्रॉपर, जो की है मेटालिक सिल्वर टाइप आपको देख सकते हैं, फिनिश इसमें मिल जाती है। बीच में देख सकते हैं जो की है निसान का काफी बड़ा आपको लोगो मिल जाता है प्रॉपर, जिसमें निशान लिखा हुआ कुछ हिसाब से। और आप देख सकते हैं मैंने हजार्ड लाइट जो ऑन की हुई है, तो DRL से कुछ इस तरीके से जलती हुई दिखेंगी प्रॉपर, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे दिखाऊं तो जो LED लाइट्स का सेटअप है कुछ यहाँ पे इस तरीके का मिल जाता है आपको, जो कि है प्रोजेक्टर में है। तो LED प्रोजेक्टर आपको हेडलाइट्स मिल जाती है। और देख सकते हैं दोस्तों जो ग्रिल के साइड में ना काफी जो क्रोम है वो ऐसा लग रहा है जैसे स्पोर्टी टाइप होता है, जैसे क्लासिकल टाइप में, वो आपको देख सकते हैं क्रोम का यूज यहाँ पे मिल जाता है देखने के लिए प्रॉपर, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो नीचे आपको टोइंग हुक देखने के लिए मिल जाता है, ये देख सकते हैं टोइंग हुक है। और नीचे और जो फॉग लैंप है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, जो कि प्रॉपर LED बेस्ड है, LED बेस्ड आपको फॉग वो जो है फॉग लैंप मिल जाती है। और सिल्वर फिनिश में आपको देख सकते हैं स्केट प्लेट मिल जाती है। तो फ्रंट से प्रोफाइल आप देख सकते हैं गाड़ी की कुछ इस हिसाब की है। तो चलिए अब साइड प्रोफाइल की तरफ अगर मैं आपको लेके चलूं तो साइड से देखिए दोस्तों, साइड से देखोगे तो 2500 में आपको पूरा गाड़ी का जो है व्हील बेस मिल जाता है, जो कि काफी ठीक ठाक है। और जो अट्रैक्टिव पॉइंट है वो है दोस्तों गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस। तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है 205 mm, तो देख सकते हैं काफी ग्राउंड क्लियरेंस है इस हिसाब से। तो किसी भी तरह से जो ब्रेकर है या फिर जो स्टॉपर है, और आप ऑफ रोडिंग अगर थोड़ी बहुत भी करते हैं इससे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली, क्योंकि गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफी बेहतरीन है। और मैं यहाँ से दिखाऊं तो मैग्नेट की आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है निशान मैग्नेट प्रॉपर। और यहाँ पे देख सकते हैं जो व्हील आर्चेस हैं उसमें जो है ऊपर जो है मैट ब्लैक फिनिश का यूज किया। टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो टायर प्रोफाइल देख सकते हैं आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जिसकी प्रोफाइल आपको मिल जाती है 195/60R16, तो यानी कि 16 inch के आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेंगी और रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगी प्रॉपर। तो और जो डोर हैंडल्स हैं वो आपको प्रॉपर देख सकते हैं क्रोम फिनिश में मिल जाते हैं। और ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड आपको डोर हैंडल्स पे आपको देख सकते हैं रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, ओनली गाड़ी आपको पेट्रोल में अवेलेबल मिलेगी। बात करो दोस्तों बैक से लुक की, तो बैक से लुक भी देख सकते हैं आपको काफी शानदार मिल जाती है। पीछे आपको बड़ा बड़ा सा मैग्नेट की बैजिंग मिल जाती है, तो देखें तो पीछे भी निशान का लोगो यहाँ पे मिल जाता है। और रियर में अगर बात करूँ टेल लैंप्स की, तो टेल लैंप्स कुछ इस तरीके की मिल जाती है, जिसमें आपको जो है इंडिकेटर और जो स्टॉप लैंप है सारा कुछ हैलोजन बल्ब का सेटअप मिल जाता है। और पीछे बम्पर देखोगे तो वो सिल्वर फिनिश में मिल जाता है आपको, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। आपका जो बम्पर है इसमें आपको देख सकते हैं 2 आपको रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाते हैं प्रॉपर। और मैं बात करूँ ऊपर मिरर की, तो यहाँ पे डिफॉगर भी देखने के लिए मिल जाता है, टॉप एंड वेरियंट गाड़ी तो मिल जाता है इसमें देखने के लिए आपको। और यहाँ पे देखोगे तो आपको वाइपर भी देखने के लिए मिल जाता है, स्पोर्टी आपको स्पॉइलर मिल जाता है इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे टॉप लैंप भी दी गई है, ऊपर आपको देख सकते हैं शार्कफिन एंटीना भी देखने के लिए मिल जाता है। और मैं आपको साइड से दिखाऊं, ये डुअल टोन है दोस्तों देख सकते हैं ओवरऑल, पर आप देख सकते हैं रूफ रेल भी आपको सिल्वर फिनिश में मिल जाती है। तो कुछ ऐसा सिस्टम है बाहर से, तो मैंने एक्सटर्नली आपको पूरा सेटअप दिखा दिया गाड़ी का, कुछ इस हिसाब का हिसाब बनता है गाड़ी का। तो चलिए अब आपको इंटीरियर की तरफ लेके चलता हूँ। अगर बात करें इंटीरियर की, तो इंटीरियर भी काफी आपको इस प्राइस रेंज में ना ज्यादातर गाड़ियों में इतना कुछ नहीं है, तो इस जो ये गाड़ी आपको ऑफर कर रही है ना प्रीमियम सेगमेंट में, जो जिस तरीके के जो इंटीरियर आते हैं उस तरीके का आपको सेटअप बना के दिया निसान ने इस मैग्नेट में। क्योंकि दोस्तों इनके पास 2 ही गाड़ियां हैं इस टाइम इंडिया में जो चल रहे हैं निसान में, एक तो दोस्तों निसान की मैग्नेट और एक बाहर खड़ी है आपको दिखाऊं किक्स। तो यहां से आप देखोगे तो ये खड़ी है किक्स प्रॉपर, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे देख सकते हैं प्रॉपर जो इंटीरियर है कुछ इस हिसाब का मिल जाता है आपको। डोर हैंडल्स देख सकते हैं यहाँ पे क्रोम जो है सिल्वर फिनिश का काफी यूज मिल जाता है, और जो ये डोर हैंडल है यहाँ भी है सिल्वर फिनिश में। 4 पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल आपको ORVM देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं पिंच लॉक भी आपको मिल जाता है प्रॉपर, जो अब तो कमी गाड़ी हमारा पर किसी किसी में आपको दे देती है कंपनियों। और जो सीट्स हैं वो आपको मैनुअली एडजस्टेबल मिल जाती हैं, इसे आप मैनुअली ही एडजस्ट करेंगे, तो देख सकते हैं मैनुअल एडजस्टेबल का सेटअप। और यहाँ से आप अपनी फ्यूल लीड है वो ओपन कर सकते हैं,
प्रॉपर गाड़ी है दोस्तों मैनुअल में, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है आपको, ऑटोमेटिक में भी आपको गाड़ी अवेलेबल है, अगर आप चाहते हो तो आपको ऑटोमेटिक में भी मिल जाएगी। तो सीट्स को करते हैं पीछे, चलिए चलते हैं इंटीरियर की तरफ। यहाँ से आप इंटीरियर चेकआउट करोगे तो कुछ इस हिसाब का मिल जाता है, प्रॉपर एसी वेंट्स और सारी लुक है ना, आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी, जो लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर है उससे कुछ कुछ मिलती जुलती आपको देख सकते हैं, एसी वेंट्स की आपको लुक मिल जाती है। चलिए एसी वेंट्स की बात बाद में करेंगे, पहले कर लेते हैं स्टेयरिंग की बात। मेन जो पॉइंट है आपको एडजस्टेबल आपको स्टेयरिंग व्हील मिलता है, जो की है जो की दोस्तों आपको टिल्ट ओनली टिल्ट मिलता है, आपको टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। ठीक है, हैजार्ड लाइट जली हुई, मैं सबको ऑफ कर देता हूँ, टिक टिक हो रही है। तो यहाँ देखेंगे तो बीच में आपको निशान का लोगो मिल जाता है। दो गाड़ी में आपको देखने के लिए एयर बैग्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये वॉल्यूम ब्रोकर्स और क्रूज कंट्रोल आपको यहीं पे देखने के लिए मिल जाते हैं। और आपको डुअल टोन में आपको हॉर्न मिल जाता है जो काफ़ी बेहतरीन, जिसका साउंड आपने सुना होगा अभी, प्रॉपर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जो मीटर कंसोल है वो आपको फुल्ली आपको डिजिटल मिल जाता है, किसी तरह के आपको जो है मैनुअली जो आते हैं टैकोमीटर स्पीडोमीटर वो नहीं मिलते, सारा कुछ आपको सिस्टम डिजिटली मिल जाता है। जैसे आप ऑन करोगे अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को तो सारा कुछ डिजिटली आप एनालॉग कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं, और यहाँ पे लाइट्स के तो कुछ इस तरीके के आपको कंट्रोल्स मिलते हैं। और यहाँ पे देखोगे तो जो है हाँ दोस्तों 9 इंच का आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जो कि सपोर्ट करेगा एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वॉइस कमांड, नेविगेशन, ब्लूटूथ, मतलब ओवरऑल सब कुछ जो सपोर्ट करेगा जो इस गाड़ी के मुताबिक आता है। तो और देख सकते हैं दोस्तों जो आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाता है, यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाता है, और इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। प्रॉपर देख सकते हैं हम इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहाँ पे, तो निशान की बैजिंग कुछ हिसाब से बनी हुई आ जाएगी जैसे ही आप इस सिस्टम को चालू करेंगे। ठीक है, तो कुछ हिसाब का जो है सेटअप बन जाता है प्रॉपर। अगर मैं कैमरा ऑन करूँ तो ये अभी तो नहीं होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है, तो आपको मैनुअल ट्रांसमिशन कुछ इस हिसाब का दिखेगा प्रॉपर। और मैनुअली आपको हैंड ब्रेक मिल जाती है, दो आपको कप होल्डर्स देखने के लिए मिल जाते हैं गाड़ी में, जो देख सकते हैं इतना स्पेस आप इसमें अपनी की भी रख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं की का जो है साइन बना हुआ है, तो यहाँ पे अपनी की रख सकते हैं। और यहाँ पे एक आर्म रेस्ट भी मिल जाता है आपको, जिसमें थोड़ी सी ना कपड़े टाइप की फिनिश दी गई है, और ये नहीं खुलता नहीं है दोस्तों, ओपनेबल नहीं है। और जो सीट्स हैं दोस्तों अंदर थाई सपोर्ट और कंफर्ट काफ़ी ठीक ठाक है, मैं आप देख सकते हैं मैं इस टाइम बैठा हूँ प्रॉपर तरीके से, तो काफ़ी मुझे बेहतरीन लग रहा है बैठ के प्रॉपर देख सकते हैं। और डैशबोर्ड देख सकते हैं यहाँ पे जो कार्बन फाइबर का यूज़ है ना वो थोड़ा सा किया गया, कार्बन फाइबर नहीं है वैसे, प्लास्टिक है, पर उसमें फिनिश थोड़ी सी ना कार्बन फाइबर की तरह दी गई है, जिससे कि और ज़्यादा बेहतरीन लुक लग रही है गाड़ी की। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, जो एक आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है जो कि काफ़ी बड़ा है, डीप है, देख सकते हैं आप इसमें अपना कुछ भी सामान रख सकते हैं, जिसके दोस्तों काफ़ी बड़ा है प्रॉपर आप देख ही सकते हैं। चलिए इसे बंद करते हैं। और यहाँ पे मैनुअली आपको IRVM मिल जाता है डे नाइट के लिए। और अगर मैं बात करूँ सनवाइजर की, तो यहाँ पे आपको मिरर मिल जाता है, और यहाँ पे हाँ जी दोनों साइड आपको मिरर मिल जाता है, और ग्रे मंडल आपको कुछ तरीके के मिल जाते हैं जो कि ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाते हैं प्रॉपर। तो यहाँ की बात हो गई फ्रंट की, तो चलिए आपको मैं रियर में लेके चलता हूँ, रियर में किस हिसाब का सिस्टम बनता है गाड़ी का। तो रियर की बात करूँ तो रियर में भी जैसे फ्रंट में था ना इंटीरियर, कुछ इसी हिसाब का आपको रियर में इंटीरियर में देखने के मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा जो कपड़े टाइप की वो फिनिश दी गई है, और यहाँ पे पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाते हैं सिल्वर फिनिश में, वही आपको डोर हैंडल्स मिल जाता है। तो रियर में से देखोगे तो यहाँ पे सीट्स आप देख सकते हैं, जो अंदर थाई सपोर्ट है वो काफ़ी बेहतर मिल जाता है, ये फैब्रिक अपॉलिस्ट्री है, आप चाहें तो आप लेदर अपॉलिस्ट्री में भी आप एक्सेसरीज के तौर पर आप कवर ओवर चढ़वा सकते हैं शोरूम से ही। और यहाँ पे देख सकते हैं सीट्स में आपको जो है एक इनबिल्ट आर्मरेस्ट मिल जाता है, जिसमें दो कप होल्डर मिल जाते हैं। और गाड़ी में दोस्तों आपको हाँ जी चार आपको जो है हेडरेस्ट मिल जाते हैं, जो कि एडजस्टेबल हैं, आप इन्हें अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और पीछे देखोगे तो रियर में भी ऐसी वेंट मिल जाते हैं, और नीचे एक 12 वाट की चार्जिंग सॉकेट भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। मैं एक बार आपको ओपन करके दिखाता हूँ, तो देख सकते हैं 12 वाट की चार्जिंग सॉकेट आपको रियर में भी देखने के लिए मिल जाती है। तो कुछ ऐसा हिसाब बनता है पीछे रियर में भी। और देख सकते हैं आपको पार्सल ट्रे भी मिल जाती है, तो रियर का कुछ हिसाब ऐसा था। तो बैक में लेके चलो बूट की तरफ, तो बूट को आप यहाँ से ओपन करेंगे तो कुछ इतना आपको बूट स्पेस मिल जाता है। और बूट में देख सकते हैं आपको बूट लाइट भी मिल जाती है। बूट स्पेस की जो कैपेसिटी की बात करूँ तो ओवरऑल ऑन पेपर 336 लीटर है, पर जो देखने में ना वो काफ़ी जो है ज़्यादा स्पेस लग रहा है मुझे पर्सनली बताऊँ तो 336 वैसे जो है कंपनी क्लेम करती है इनबिल्ट जो है। और यहाँ पे देख सकते हैं स्पेयर व्हील मिल जाता है, जिसकी प्रोफाइल आपको मिल जाती है तो हाँ जी तो इसकी प्रोफाइल आपको मिल जाती है 385/65R15। तो 15 इंच का आपको नॉर्मली जो है स्टील व्हील मिल जाता है, और जो नॉर्मल जो गाड़ी में वो है 16 इंच के अलॉय व्हील्स, और 15 इंच मतलब कि 15 इंच का आपको स्टील रिम मिल जाता है जो स्पेयर व्हील है प्रॉपर देख सकते हैं आप। और यहाँ पे बूट लाइट लैंप्स दी गई है प्रॉपर,
सिस्टम से, और यहाँ पे कुछ सिस्टम कुछ इस हिसाब का है। तो चलिए मैं आपको इंजन की तरफ लेके चलता हूँ। इंजन की दोस्तों बात करो तो इसमें मिल जाता है आपको 1 लीटर का इनलाइन 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जिसकी मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम टॉर्क की बात करूँ तो मैक्सिमम पावर आपको मिल जाती है। पहले आपको मैं इंजन खोल के दिखाता हूँ। तो इंजन के लिए यहाँ से लीड ओपन करेंगे, तो मैं अगर इंजन खोल के दिखाऊँ आपको इस बोनट को, तो कुछ हिसाब का देख सकते हैं इंजन का सेटअप है। 3 सिलेंडर इंजन है। और बात करें इसकी मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम टॉर्क की, तो 71 bhp आपको इसमें मिल जाएगी प्रॉपर तरीके से 71 bhp। और वहीं बात करूं टॉर्क की, तो 96 न्यूटन मीटर्स ऑफ आपको इसमें टॉर्क मिल जाएगी देखने के लिए, क्योंकि दोस्तों 1 लीटर का इंजन है और 3 सिलेंडर इंजन है। इससे ज्यादा तो दोस्तों नहीं कर सकते उम्मीद, क्योंकि पर इस हिसाब से दोस्तों काफी रिफाइंड इंजन है। तो प्रॉपर कुछ हिसाब का गाड़ी का सेटअप बनता है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कंसिडर करना चाहते हैं इस गाड़ी को, आपका बजट है 9-10 लाख रुपए और चाहते हैं आपको थोड़े से ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर मिल जाए और थोड़ी सी इंटीरियर प्रीमियम मिल जाए, बाहर से जो लुक है वो एरोडायनामिक और कटिंग वटिंग टाइप जो आती है ना स्पोर्टी टाइप वो मिल जाए, तो दोस्तों आप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं निसान मैग्नाइट को। इसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों, इस प्राइस रेंज में जो काफी बेहतरीन फीचर है वो दोस्तों ऑफर कर देती है इसी तरह से सिस्टम बना के। और दोस्तों जो इसकी जो इसी के प्लेटफॉर्म पर बनी है दोस्तों एक गाड़ी आती है, वो है रेनॉल्ट की काइगर, वो भी दोस्तों सेम आपको इसी प्लेटफॉर्म CMF A+ जो प्लेटफॉर्म है उसी पर वो गाड़ी बनी है और ये भी सेम प्लेटफॉर्म पर बनी है। तो कुछ इस हिसाब का गाड़ी का सिस्टम बनता है दोस्तों। मैंने आपको जो सारी चीज़ें इसके डिटेल्स हैं वो आपको बता दिए हैं, तो करना चाहते हैं आप दोस्तों कंसीडर तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फीचर्स जो है काफ़ी बेहतरीन मिल जाते हैं गाड़ी में देखने के लिए। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में, कैसी लगी आपको वीडियो। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।